यूपी के लोकसभा के सदस्य और पूर्व सांसद रमेश चंद ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। आज हम मौजूद हैं जनपद चित्रकूट के एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने के लिए जो कहीं ना कहीं लोकसभा की 12वीं जो लोकसभा थी उसमें उसके सदस्य रहे और उस समय यहाँ पे बदमाशों का एक बहुत बड़ा वो दौर था जब यहाँ पे डकैतों का राज हुआ करता था। उस समय रमेश चंद द्विवेदी जी यहाँ के सांसद रहे और मात्र 13 महीने की केंद्र में सरकार रही। उस 13 महीने के दौरान रमेश द्विवेदी जी ने यहाँ पे क्या क्या किया उसको लेके हम बात करेंगे। और अगर 2024 में, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 में रमेश चंद द्विवेदी जी अपनी प्रत्याशिता को भारतीय जनता पार्टी से दर्ज कराएंगे और अगर 2024 में इनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है तो ये यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ की जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनकी खुशहाली के लिए क्या क्या काम करेंगे। आइए हम जानते हैं सर्वप्रथम कि 12वीं लोकसभा के दौरान बांदा चित्रकूट की इस जो क्षेत्र है, बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र का, उसके लिए इन्होंने क्या क्या काम किया। माननीय सांसद जी, आपका एएनबी न्यूज में स्वागत है जी। धन्यवाद आपको। सांसद जी, ये बताइए, चूंकि आप 12वीं लोकसभा के सांसद रहे और उस समय 13 महीने की सरकार रही, उस समय आपने बांदा और चित्रकूट के लिए क्या कुछ काम हो पाया, चूंकि कहीं ना कहीं यहाँ डकैतों का बहुत बड़ा एक छत्र राज्य रहा है। जी, मैं 12वीं लोकसभा का सदस्य चुने जाने से पहले उत्तर प्रदेश की 11वीं विधानसभा का भी सदस्य रहा, बांदा जिले की नरैनी विधानसभा। क्या क्या काम बता रहा हूँ। उसके बाद जो मैंने विकास का काम किया, उस समय बिजली के क्षेत्र में अगर ट्रांसफार्मर फूक गया तो एक हफ्ते बाद आता था। मैंने सांसद निधि से पैसा दे करके दो सचल ट्रांसफार्मर ट्राली सहित पावर हाउस में बनवा करके खड़ा करवाया कि आधी रात को अगर ट्रांसफार्मर कहीं भूल हो तो ये बिजली विभाग वाले अपनी गाड़ी से फंसा कर उसको वहां जाके लगा दे। इसी तरह जहां बांदा में जिन क्षेत्रों में पानी नहीं आता था, नल की सप्लाई नहीं, वहां पुराने जमाने के हमारे ऐसे कुएं थे, उनमें मैंने बोरिंग करा करके उनको सफाई करा के और वहां पंपिंग सेट लगवाया और 3 मंजिल तक मैंने पानी पहुंचाया। अब आने वाले समय में यदि भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करती है, मुझे प्रत्याशी बनाती है, तो मैं पूरी निष्ठा से इस क्षेत्र के लिए विकास करूंगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने करोड़ों रुपए सांसद निधि के बांटे और उसी प्रकार विधायक के नाते मैंने यहां काम किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई माई का लाल अगर बता दे कि एक पैसा भी कोई कमीशन लिया हो तो मैं राजनीति छोड़।